हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल प्रजापत और आप देख रहे हैं गौरी EDTP विद अनिल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो हमारे इस UPS इन्वर्टर पर है। यह इसकी PCB बोर्ड है। हम जैसे ही बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो यह देखिए UPS ऑन की LED जलने लगती है और यह आउटपुट नहीं निकाल रहा है, यह देखिए। और जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो यह देखिए ओवरलोड और लो की बैटरी की LED जलने लगती है। आइए दोस्तों, हम इसके चार्जिंग को भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि यह देखिए, यह चार्ज भी नहीं हो रहा है। आइए इसके PCB को बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। यह देखिए, हमने PCB को बॉडी से बाहर निकाल लिया है। यहाँ पर रेजिस्टेंस आप जला देख रहे हैं। यह रेजिस्टेंस दोनों MOSFET को ऑन करने के लिए होता है। 22 ओम क्वार्टर वाट दो रेजिस्टेंस लगी होती है। यह देखिए, यह रेजिस्टेंस IC से यहाँ पर कनेक्ट होता है। यह रेजिस्टेंस यहाँ से होते हुए इस MOSFET पर आया हुआ है यहाँ पर, यानी कि यह MOSFET शॉर्ट होने की वजह से यह रेजिस्टेंस जला है और यह शॉर्टिंग की वजह से यह रेजिस्टेंस भी जल चुका है, जो कि फ्यूज का वर्क करता है। आइए दोस्तों, हम इसके जले हुए पार्ट्स को निकालते हैं PCB से। तो सबसे पहले हम दोस्तों MOSFET से शुरू करते हैं। पहले PCB की शॉर्टिंग खत्म करते हैं। यह दोनों रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट 22 ओम, यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई होती है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस MOSFET से। आइए दोस्तों, हम थोड़ा स्पीड से फटाफट निकाल लेते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इस प्रकार से सभी पार्ट्स को वापस हमें लगा के सोल्डिंग कर लेना है। और सोल्डिंग करते वक्त दोस्तों ध्यान रहे, आपस में एक दूसरी पिन न सटे। उसके बाद इस प्रकार से हम कटर से इसकी पिन को काट लेते हैं। आइए दोस्तों, हम इसकी एक बार ऐसे ही चार्जिंग या PCB की टेस्टिंग करते हैं कि सही हुआ या नहीं। तो बैटरी को जैसे ही कनेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए, कोई LED नहीं जली और स्विच ऑन करने के बाद LED UPS ऑन की जलने लगी। आइए दोस्तों, इसके हम बॉडी में फिट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप सभी को दिखाते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, हमने बॉडी में इसे फिट कर दिया है। यह देखिए, UPS ऑन करने पर चल रही है और यह चार्ज भी हो रहा है, यह देखिए। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।